हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्पिनिंग व्हील्स। होप यू ऑल आर गुड। और आज हम आए हैं फेयर डील मोटर्स, जो कि है मारुति का शोरूम, मारुति एरिना। मैं डिस्क्रिप्शन में सेल्स पर्सन के नंबर शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो मारुति का तो आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हैं। और ये सिचुएटेड है NIT फरीदाबाद में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट, जो कि है LXi वेरियंट। और LXi में भी हम लाए हैं CNG वेरियंट, तो देखते हैं क्या इसका प्राइस रहने वाला है और क्या इसकी माइलेज वगैरह, सब कुछ हम इस डिटेल में इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करें। तो भाई, ब्रेजा स्टार्ट होती है 8.29 लाख से एंड इट गोज अप टू 14.14 लाख। और ब्रेजा LXi का जो प्राइस है वो रहने वाला है एक्सशोरूम प्राइस 8.29 लाख। और ये हमारे पास है LXi CNG, तो ये मिलने वाला है आपको 9.24 लाख एक्सशोरूम प्राइस। और इसका प्राइस ऑन रोड रहने वाला है 10.64 लाख। तो ये आपको जो है नॉर्मल वेरियंट से 95,000 कॉस्टली पड़ने वाली है। और अब बात करते हैं इसके पावर फिगर्स की। तो आपको इसमें मिलता है 1.5 लीटर का K सीरीज इंजन, जिसकी पेट्रोल की पावर की बात करें तो 100.6 PS एट 6000 RPM एंड 136 NM का टॉर्क एट 4400 RPM। और वहीं मैं इसके CNG की पावर की बात करूं तो वो आपको मिलती है 87.8 PS एट 5500 RPM एंड 121.5 NM का टॉर्क एट 4200 RPM। तो करीब करीब आपको जो है इसमें 13 PS की पावर रिडक्शन मिलती है। और आप चेकआउट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल, और जब रियर में जाएंगे तो मैं आपको बूट स्पेस के बारे में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो मिडिल में आपको मिल जाती है क्रोम एक्सेंट में ग्रिल, यहाँ पे सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में। और यहाँ हम बात करें लाइट्स की, तो आपको इसके अंदर जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम यही रहने वाला है। एक बार मैं स्विच ऑन करके भी दिखा दूंगा। और यहाँ आपको मिल जाती है टर्न ओवर इंडिकेटर की लाइट, और नीचे आपको फॉग लैम्प का यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो जाता है, बट फॉग लैम्प नहीं मिलती। और यहाँ डुअल फिनिश में आपका बम्पर हो गया ब्लैक एंड ये सिल्वर फिनिश में। तो ओवरऑल फ्रंट में कंप्लीट होता है सेटअप। और एक बार मैं आपको लाइट्स ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर दी इसकी पार्किंग लाइट्स, और ये मैंने इसकी ऑन कर दी हेडलाइट्स। तो आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम, तो ओवरऑल एक बार आप हेडलाइट का सेटअप भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर्स का भी लुक। एक बार ये साइड प्रोफाइल देखते हैं, और यहाँ बात करेंगे डायमेंशंस की, तो लेंथ मिल जाती है 3995 mm की, विड्थ मिलती है 1790 mm की, हाइट मिलती है 1685 mm की, व्हील बेस मिल जाता है 2500 mm का। और बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो आपको इसमें मिल जाती है 198 mm की। और टायर साइज की बात करें तो टायर आपको इसमें मिलने वाला है 215/60 R16, यानी 16 इंचेस का आपको इसमें टायर मिलता है। स्टील रिम मिलते हैं और व्हील कैप्स जो आपको इसके अंदर कंपनी से ही प्रोवाइडेड हो जाएंगे। फ्रंट में आपको इसमें मिल जाते हैं वेंटिलेटेड डिस्क, और रियर में आपको इसमें मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स। और यहाँ आप देखेंगे साइड में व्हील आर्चेस पे आपको पूरी क्लैडिंग मिल जाएगी, और पूरी क्लैडिंग जो है आपको पूरी व्हील बेस पे मिल जाएगी, और पूरा SUV वाला आपको स्टांस मिलने वाला है। और यहाँ हम देखेंगे साइड व्यू मिरर, इस पे आपको टर्न ओवर इंडिकेटर की लाइट भी मिल जाती है, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाएगा, फोल्ड आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। और बात करूँ की की, तो आपको इसकी इस टाइप की कुछ की मिलती है, लॉक एंड अनलॉक। और यहाँ पे आप देखेंगे मिडिल में तो बी पिलर जो है आपको मैट ब्लैक फिनिश में अवेलेबल रहने वाला है। और यहाँ पीछे आपको क्वार्टर ग्लास भी अवेलेबल हो जाता है। क्वार्टर ग्लास से क्या होता है, कार अंदर से भी थोड़ी आपको स्पेशियस फील होती है। और अब करते हैं इसका रियर प्रोफाइल चेक। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले आपको मिल जाता है ऊपर शार्क फिन एंटीना, और यहाँ आपको मिल जाती है हाई माउंट स्टॉप लाइट। और यहाँ पे आपको जो है कोई डिफॉगर नहीं मिलता, यहाँ CNG की बैजिंग। और पीछे आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश में सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे ब्रेजा लिखा हुआ। और उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको जो है रियर जो टेल लैम्प्स है वो LED कॉम्बिनेशन लैम्प्स मिलते हैं। एक बार मैं अभी इनको भी स्विच ऑन करके दिखा दूंगा। और उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे बम्पर पे, तो आपको चार जो है पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, और उसके नीचे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। एक बार आप रियर से भी लाइट्स का लुक देख लीजिए। तो ये मैंने पार्किंग लाइट्स ऑन की, तो आप पीछे का लुक देख सकते हैं। और ये मैंने ब्रेक प्रेस करी है, तो भी आप एक बार लुक चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि CNG लगने के बाद इसमें कैसा स्पेस रहने वाला है। तो यहाँ पे इसका जो है रिक्वेस्ट सेंसर है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो अपना बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइट्स भी अवेलेबल हो जाती है नंबर प्लेट की, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसा इसमें बूट स्पेस रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गई आपके CNG के सिलेंडर की प्लेसमेंट, और ये कुछ आपको बूट इसमें अवेलेबल रहता है। यहाँ पे आप थोड़ी सी आपको डेप्थ मिल जाएगी, तो आपके छोटे छोटे बैग्स तो इसमें आराम से इसमें आ जाएंगे। एक बार आप और ढंग से देख लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए। और इसके CNG की कैपेसिटी की बात करूँ तो 55 लीटर्स की इसमें CNG आती है, यानी 8 to 9 kg की CNG जो है आप इसके अंदर डलवा सकते हैं। और मैं आपको इसमें स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी दिखा देता हूँ। तो आप इसको पुश करके, ये आपका स्पेयर व्हील है, और इसको अगर मैं ऐसे करूँगा तो पूरी ट्रे ये बाहर आ जाएगी। और इसके स्पेयर व्हील का साइज़ भी जो है वो सेम रहने वाला है, 215/60 R16। एक बार मैं आपको इसकी फ्यूल रेट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको मिलने वाली है 48 लीटर्स की, और इसके CNG कैपेसिटी की बात करें तो आप देख भी सकते हैं 55 लीटर्स लिखा है, तो 8 to 9 kg आपकी इसमें CNG आ जाएगी। और माइलेज की बात करूँ तो आपको इसमें जो है
पेट्रोल में आपको इसकी माइलेज मिलने वाली है 20.15 की, और वहीं सीएनजी की माइलेज की बात करूं तो वो आपको मिलती है 25.51 पर केजी की, जैसा कंपनी क्लेम करती है। और अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। बेस वेरियंट है हमारे पास ब्रेजा का, तो सबसे पहले देखते हैं डोर पैनल। अच्छे खासे एंगल पर डोर जो है आपका ओपन हो रहा है, और यहाँ कंट्रोल्स देखें, चारों पावर विंडो के आपको स्विचेज मिलते हैं। ड्राइवर साइड वाला ऑटो अप एंड ऑटो डाउन रहने वाला है, ये डोर्स लॉक अनलॉक करने के लिए, पावर विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए, ये साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड आपको ये मैनुअली करने पड़ेंगे। नीचे आपको मिल जाता है एक बॉटल रखने का स्पेस, और यहाँ पे कुछ पेपर वगैरह आप रख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसमें सीट की, तो आपको इसमें फैब्रिक अपॉलस्ट्री मिलती है जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, और इसमें आपको अच्छे खासे स्क्रूव्स मिल जाते हैं। एक बार बैठ के देखते हैं कि कैसा स्पेस ये ऑफर करती है। तो आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 5'11", तो पहले मैं इसको 5'11" के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपको इसमें रिक्लाइनिंग की और स्लाइडिंग की एडजस्टमेंट मिलती है, तो पहले इसको 5'11" के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट में कोई कमी नहीं है। और यहाँ बात करें हम हेडरूम की, तो यहाँ पे आपको हेडरूम भी अच्छा खासा ऑफर हो जाता है। और अब चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ और देखते हैं कैसा स्पेस इसमें रहने वाला है। तो आप ये देखिए, ये मैंने 5'11" के हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, और पीछे आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, बल्कि इनफैक्ट मैंने ज़्यादा ही पीछे कर रखी है सीट। और यहाँ ऊपर आप हेडरूम देखेंगे तो उसमें भी आपको कोई कमी इसमें फील नहीं होने वाली। और एक और चीज़ जो है, पीछे जो है आपको इसके अंदर कोई हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, बस एक ये चीज़ की मुझे कमी लगती है। और बाकी पीछे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये एसी के वेंट्स भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो आपको जो है हेलोजन में जो है रूफ लैम्प मिल जाती है। अब ये तो रिप्लेस कर देना चाहिए, अब इसे तो LED में ही कन्वर्ट कर देना चाहिए। चलिए, जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आ चुके हैं भाई कार के अंदर, तो एक बार आप ओवरऑल इंटीरियर का लुक देख सकते हैं, ओवरऑल डैशबोर्ड देख सकते हैं कि कैसा आपको इसका लुक लग रहा है। बेस वेरिएंट है ये LXi। और अब हम बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें एडजस्टमेंट देखें तो आपको इसमें एडजस्टमेंट मिलती है टिल्ट की, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती है। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ बटन्स देख रहे होंगे, तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने का, ये हो गया आपका हेडलाइट लेवलर, और ये हो गया आपका पेट्रोल से CNG पे और CNG से पेट्रोल पे स्विच करने का स्विच। और अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है इससे आपका ट्रिप ए ट्रिप बी और ये किलोमीटर्स टोटल। और यहाँ से मैं देखूँ तो इसको प्रेस करते हैं तो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT और ये फ्यूल के आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल गया स्पीडोमीटर 220 की स्पीड, यहाँ हो गया आपका ये RPM का मीटर, और यहाँ बीच में आप देखेंगे तो ये हो गया आपका पेट्रोल का गेज, और ये हो गया आपका CNG का गेज। अभी ये CNG पे है इसलिए CNG वाली लाइट जो है ऊपर CNG का आइकन जो है ब्लिंक करता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका ये वाइपर का स्टॉक, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये आपके हेडलाइट का स्टॉक, ये पार्किंग और ये हेडलाइट। और यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको कोई इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, ये आपको जो है आफ्टर मार्केट या कंपनी से एडिशनल एसेसरी लगवानी पड़ेगी। ये होगी आपकी हजार्ड लाइट ऑन, हजार्ड लाइट ऑफ। और यहाँ नीचे देखें तो आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं, और यहाँ कुछ स्पेस अवेलेबल हो जाता है। और ये आपका गियर नॉब हो गया 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का, ये हो गया आपका हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह और बॉटल वगैरह रखने के लिए स्पेस, और थोड़ा स्पेस जो है आपको यहाँ भी अवेलेबल हो जाता है। एक और चीज़ आप यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक 12V का सॉकेट भी अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ ऊपर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है टोल सीट होल्डर मिल जाता है, और ये जो आपका रियर व्यू मिरर है ये आप मैनुअली नाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ अवेलेबल नहीं होता है कोई मिरर वगैरह। और नीचे आप देखें तो ये हो गया आपका ग्लोब बॉक्स, और ये जो है आपकी नॉर्मल डेप्थ के साथ अवेलेबल हो जाता है। और एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर की भी ग्रिल मिल जाती है, आप ट्विटर जो है एडिशनली लगवा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पीकर की ग्रिल है, चारों ही डोर्स में आपको जो है इसमें स्पीकर की ग्रिल भी अवेलेबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको इसके अंदर मिलता है ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, रीस्टैंड सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डोर अदर वार्निंग लैम्प। तो आपको इसके अंदर जो है सेफ्टी के भी सारे बेसिक फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रेजा LXi CNG का डिटेल वॉकअराउंड वीडियो। मैंने आपको इसके प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, इंजन पावर सब कुछ बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल स्पिनिंग व्हील्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।